फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी की ओर से आज शुक्रवार यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन जिस वक्त बाजार बंद है उस वक्त एक अपडेट दी है कि उसने दुनिया के जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म है उसके साथ मीटिंग की बात करी है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले दिनों में इस शेयर में हमें तेजी का तांडव देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस कंपनी का बिजनेस अगले आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा चलने वाला और उसके साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म बात करता है तो उसको डेफिनेटली वो बातें पसंद ही आएगी और स्वाभाविक है कि वो इस शेयर में खरीदी करने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले आपको IRCTC में बताया था कि इस शेयर में बड़े इन्वेस्टरों की मीटिंग है तो अगले आने वाले दिनों में ये शेयर रॉकेट बनेगा और वैसा ही हुआ और 2600 से ये शेयर चलना शुरू किया था। अभी 3400 रुपये के आसपास के ऑल टाइम हाई भी बनाए थे और इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले श्याम मेटालिक्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर भी दिग्गज इन्वेस्टरों की मीटिंग है और उसमें भी बाद में कल ही हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई थी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी ये शेयर 4317 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक वीक की बात करें तो यहाँ पर हमें शानदार अपसाइड देखने को मिले। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 सितंबर को दिग्गज इन्वेस्टर फर्म के साथ मीटिंग के बाद कंपनी ने कही और उसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स बड़े बड़े काफ़ी नाम है, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड है, भारतीय अक्सा लाइफ है, आदित्य बिरला है, इसके अलावा DSP इन्वेस्टमेंट फंड में ICICI प्रू MF है, कोटक वालों का भी है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो इन सभी जो दिग्गज इन्वेस्टर है उसने डेफिनेटली डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की बात को पसंद किया होगा और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले दिनों में इस शेयर में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि जो पिछले साल 6400 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा था वो FY 23-24 में 18-20 हज़ार करोड़ के आसपास जा सकता है, यानी कि वहाँ से 3 गुना होने के चांस है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 3.5% के आसपास रहने का अनुमान है। तो उसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बने। तो ओवरऑल यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में बहुत ही पॉजिटिव इसका बिजनेस परफॉर्मेंस देने वाला है और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है।